झांसी जिले के मोठ में सहकारी क्रय विक्रय केंद्र के चुनाव को लेकर भाजपा के दो गुटों में झड़प और छीना झपटी हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद दोनों पक्षों ने मोठ पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बड़ी और अहम खबर न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी पर आप देख रहे हैं झांसी से, जहां जिले के मोठ में सहकारी क्रय विक्रय केंद्र के चुनाव को लेकर भाजपा के दो गुटों में झड़प और छीना झपटी हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद दोनों पक्षों ने ही मोठ पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देकर इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। और क्या मामला आपके साथ हुआ है? विनोद कुमार नाम है। क्या हुआ है आज? वहाँ दरोजी ने पर्चा भरा लिया, क्रय विक्रय का पर्चा भर रहे थे हम लोग, तो हमको रस्ते में उन्होंने छेड़खानी की है और मारपीट भी की है। क्या किया? पर्चा को फाड़ दिया उन्होंने। तो आपने इसकी शिकायत की है? हाँ, शिकायत की है। अभी यहाँ पे कोई उनका सुनाई नहीं हुई अभी। अच्छा, सुनाई नहीं हुई। हाँ। क्या कह रहे हैं? अभी उन्हें कुछ जवाब ही नहीं दिया, कोई मिला ही नहीं। बैठा है तो? यहाँ पे कोई बैठे नहीं है। किस पार्टी से भर रहे थे आप ये पर्चा? बीजेपी से। अच्छा, वो लोग कौन है? दो ही बीजेपी से हैं, मंडल अध्यक्ष है। शिकायत की आपने? हाँ, शिकायत की है। कहाँ पे? थाने में शिकायत की है। क्या चाहते हैं आप? हमने उनका जी चाहते कि उनसे क्या नाम जो है उनको कुछ वो मिलना चाहिए दान। तो उन्होंने मारपीट भी की और गाली गलौज की भी की है और बराबरी बारे में गाली दे रहे थे वो हम लोग को। शिकायत करने आप आए हैं? ध्रुव सिंह परमार, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मोठ। किस चीज़ की शिकायत करने थाने आए हैं? हमारे यहाँ आज क्रय विक्रय का चुनाव चल रहा था, इसमें पार्टी के निर्देश पर हम लोगों ने कैंपस लगाया हुआ था। इसमें हमारे जिले के पदाधिकारी देवेंद्र कंसाना जी, हमारे जिले के प्रभारी राजन गुप्ता जी, हमारे मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह पूंछ, मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर अलजरिया, पार्टी के पूरे पदाधिकारी समस्त पदाधिकारी यहां आए हुए थे। समझौता के तहत एक एक सीट सबके के लिए नामांकन के लिए भर गई थी, क्योंकि मोठ से भी बमरोली 4 पर व्यक्तिगत चुनाव होना था। उस व्यक्तिगत चुनाव के लिए बमरोली से पार्टी के निर्देश पर हमारा लिए नामांकन के लिए किया गया था, मोठ सीट से लिए और लोगों के लिए कहा गया था। हम लोगों ने नामांकन किया, हम लोग कैंपस में बैठे हुए थे तो वहाँ पर सुरजीत सिंह राजपूत आए, क्योंकि हम और विनोद वर्मा हम लोग क्योंकि पार्टी हम लोग यहाँ बैठे थे, उनका कोई कुछ करना नहीं था। सुरजीत राजपूत क्योंकि यहाँ पहले से भी 5 साल से गुंडाई कर रहे हैं बराबर, इनके इसके पहले लूटपांड भी की लूटपांड किया था अभी इसके पहले, यहाँ अपन हाईवे पर हाईवे पर मारपीट की थी, कई घटनाएँ कर चुके हैं जी। ये हमेशा गुंडियाई करते हैं, इनके साथ 10-12 लोग की टीम है, जिस सिवाय कोई पार्टी पदाधिकारी नहीं है। हमेशा पदाधिकारियों के लोगों के साथ हमेशा गलत व्यवहार करते हैं, मारपीट पर आमादा रहते, मारपीट करती रहती है। अच्छा, एक वीडियो भी झड़प का वायरल हो रहा है, तो क्या मामला हो गया था, किस चीज़ को लेकर झड़प हुई? उसमें ये लोग जबरदस्ती उसको पकड़ के ले जा रहे थे, सुरजीत राजपूत, हम लोग बैठे हुए थे तो उसमें हम लोगों को भी पकड़े, तुम वापस इनका पर्चा फाड़ दें। इसमें छीना झपटी में क्योंकि हम लोग कोई लोग लिए तो हमारे लोग भी यहाँ बैठे हुए थे, पार्टी के लोग, पार्टी लोगों ने समझाया कि यहाँ कैंपस हो, कैंपस क्या होता है प्रभारी भोजड़ी वाला, भाजपा में जो कुछ होता है विधायक होता है, तो इसलिए हमने एक गलत शब्द नहीं बोलो, ये गलत शब्द सब लोगों ने सुने तो हम लोगों ने बीच जुटाव किया। हमने कि आप लोग आपस की है पार्टी, ये सदस्य कितना छोटा सा चुनाव होता है, इसमें किसी से इतनी बड़ी बात नहीं है। जब जिसको बनना हो गया, विधायक जी कह चुके थे, जब राजीनामा हो चुका था सब लोगों के बाद, इसके बाद जो इनने यहाँ गुंडियाई की, उनके सारे पर गुंडियाई कर रहे हैं जी, ये इनका बहुत गलत। इसकी शिकायत की है आपने? हाँ, हमने इसकी शिकायत की। क्या आश्वासन मिला? अब उस पर जाँच होगी, वो लोग शिकायत करेंगे, समाधान होगा।